नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वेब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन टॉयलेट को कमोड में या फिर वेस्टर्न टॉयलेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो बॉटम तोड़ देते हैं, जैसे टाइल्स वगैरह है उसका पैन वगैरह पूरा तोड़ देते हैं। इधर आप देख सकते हैं, ये तोड़ने के बाद वो गड्ढा दिखता है और उसमें आउटलेट दिखेगा। जो पुराने टॉयलेट का आउटलेट है, जनरली जो आउटलेट है उसी को मैच करना होता है। ये देखिए आउटलेट देख सकते हैं। बाद में इसमें आप वो पीवीसी के पाइप्स बैंड्स वगैरह वो सब लगाते हैं। इधर आप देख सकते हैं, ये जो ब्रेकिंग करे साइड का जो नानी ट्रैप है उसके लिए। ये जब कमोड बैठने के बाद में ये फ्लोर होगा तो उसका पानी जाने के लिए वो साइड में नानी ट्रैप बनाना पड़ता है। ये देखिए इसके फिक्सिंग कर रहे हैं पाइप का। और ये साइड का जो नानी ट्रैप का है, ये दोनों कनेक्ट करते हैं, टी जैसा रखता है। इसका पानी और उसका पानी दोनों इकट्ठा आके वो आउटलेट से बाहर जाता है। और ये पाइप अंदर बैठाने के लिए कभी कभी अगर टाइट हो तो उसको थोड़ा जला करके सॉफ्ट करते हैं और उसके बाद में अंदर बैठा दे, वो सोल्यूशन लगा के अंदर बैठा दे। आप देख सकते हैं, उसका हाइट इस हिसाब से चेक करते हैं ताकि वो टॉप का फ्लोरिंग बराबर बैठे। जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर रहे हैं। और ये फ्लोर लेवल का स्लोप पूरा नानी ट्रैप की तरफ देते हैं। आजकल ज्यादा घरों में जैसे इंडियन टॉयलेट को कमोड करना बहुत सरल चल रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स है या फिर एज पर्सन है, उनको पीठ दर्द या फिर घुटने का दर्द होता है तो बैठने में तकलीफ होती है, तो ज़्यादातर लोग इंडियन टॉयलेट को कमोड में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन लगा रहे हैं, ये नानी ट्रैप का है, इसको ही टी बोलते हैं, टी जंक्शन लगा के वो बैंड को लगा देते हैं, जॉइंट कर देते हैं। इसमें मोटर बना रहे हैं सीमेंट पानी, और इसमें एक वाटर प्रूफिंग केमिकल भी है। ये देखिए डॉक्टर फिक्सिट का वाटर प्रूफिंग केमिकल इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि वो बैठते समय नीचे जब मोटर से मसाला लगाए तो वो लीकेज ना हो। इंडियन टॉयलेट को वेस्टर्न में कमोड में कन्वर्ट करने में सबसे मेन रोल प्लंबिंग का ही रहता है, क्योंकि पूरा वो पाइपिंग सिस्टम चेंज करना है, आउटलेट को मैच करना है।
और इसमें मेन बात यह कि नीचे के टाइल्स तोड़नी पड़ती है और वो टाइल्स बाद में बैठाने पड़ते हैं, बॉटम टाइल्स। ये देखिए अभी नानी ट्रैप के लिए बेस में मोटर लगा रहे हैं, उसका बेस तैयार कर रहे हैं। ये जो आउटलेट है आउटलेट को क्लीन करते हैं, इसमें कुछ मोटर वगैरह है, कुछ मसाला है, कुछ मट्टी उट्टी लगी है तो उसको पूरा साफ कर देते हैं। अब इसको क्लीन करने के बाद ही उसको आगे का ये जोड़ने का काम करते हैं। ये लगाते समय इसका लेवल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्लोर लेवल को अपने को मैच करना रहता है। ये देखिए अभी कैसे लगा रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं इसको। ये सीमेंट और डस्ट का पूरा मोटर बना रहे हैं, वो मोटर बाद में उसके नीचे में और आगे में पूरा दोनों साइड से लगा देते हैं, उसका लेवल वगैरह कर देते हैं। तो मोटर लगाने की वजह से वो पाइप पूरा फिक्स हो जाता है, जाम हो जाता है। अभी वो पाइप फिक्स होने के बाद में साइड से वो जो भी डस्ट है वो पूरा डाल के उसको भर देते हैं। उसको भरने के बाद में थोड़ा कॉम्पैक्शन वगैरह करते हैं, पानी वगैरह मारते हैं उसमें, उसके बाद में उसको कॉम्पैक्शन करते हैं और उसके ऊपर ये मोटर पूरा लगा देते हैं। सीमेंट और डस्ट का मिक्सचर पानी में डाल के पूरा उसको ऊपर से लगा के उसको लेवल करते हैं। उसको एज ए PCC भी आप बोल सकते हैं। ये नानी ट्रैप के दोनों चारों तरफ से वो मोटर डाल रहे हैं, उसको पैक कर रहे हैं। ये दोनों फिक्स होने के बाद में और ये मोटर लगाते हैं, उसको लेवल करते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर बोरी या फिर सीमेंट बैग वगैरह डाल के उसको बंद कर देते हैं ताकि टाइल लगाते समय उसके अंदर कुछ कचरा ना गिरे, मोटर ना गिरे। देखिए आप इधर देख सकते हैं, उसको पाइप को क्लोज करके रखा गया है और साइड के इसमें नानी ट्रैप में भी बोरी डाल के रखी गई है।
अभी ये लेवलिंग कर रहे हैं, ये लेवलिंग करते हैं। ये लेवलिंग होने के बाद में उसको नेक्स्ट डे इमीडिएट काम नहीं करते, एक दिन उसमें पूरा क्यूरिंग वगैरह करते हैं। एक दिन छोड़ने के बाद में फिर टाइल लगाते हैं। अभी इधर आप देख सकते हैं ये टॉयलेट का टाइल्स लग चुका है पूरा, दीवार का भी लगा है और बॉटम का भी लगा है। अभी ये पाइपलाइन कर रहे हैं, इसमें पूरे जे आई पाइप था उसको पूरा निकाल करके पीवीसी पाइप कर दिया है, इधर आप देख सकते हैं। ये पाइप जोड़ने का काम आप देख सकते हैं इधर। टाइल फिक्स होने के बाद में ही हम कमर बैठा सकते हैं। ये पाइपलाइन का आउटलेट बाथरूम साइड में है, इधर आप देख सकते हो बाथरूम में भी कनेक्टेड है। इधर अब ये कमोड बैठा रहे हैं, देखिए कमोड बैठा दिया, वो जो नीचे पाइप लगाया था उसके अंदर ये कमोड बैठाए हैं। और ये कॉक वगैरह देखिए, इसमें फ्लश का भी एक है और नल का भी एक है। और ये पूरा पाइपलाइन आप देख सकते हैं, ये फ्लश टैंक है और ये साइड में नानी ट्रैप नीचे देख सकते हैं। और ये हैंड शावर है, हैंड शावर लगाने के लिए अभी उसको साइड में ये फिक्स कर रहे हैं। अब ये साइड में बाथरूम का भी काम कर रहे हैं, बाथरूम का जी आई पाइप निकाल के पूरा पीवीसी कर दिया है। और इसका भी नानी ट्रैप देख सकते हैं, टाइलिंग भी पूरा चेंज किया है तो उसके लिए उसका भी नानी ट्रैप का पूरा मोटर लगा के उसको फिक्स कर रहे हैं। उसके ऊपर बाद में जाली लगाएंगे। ये शॉवर वगैरह सब नया बैठाया है, टोटली कम्प्लीटली बाथरूम और टॉयलेट दोनों का रेनोवेशन किया है। जैसे टाइलिंग चेंज किया है, पूरा पाइपलाइन चेंज किया है, पूरे नल वगैरह बदले हैं। ये साइड में कुछ मटेरियल रखने के लिए रैक भी बनाया है। ये देखिए टॉयलेट का ये नानी ट्रैप देख सकते हैं, ये फ्लश टैंक जोड़ा है। ये हैंड शावर रखने के लिए इसको फिक्स कर रहे हैं। ये देखिए फ्लश टैंक का पाइपलाइन जोड़ रहे हैं, उसका इनलेट। ये 6 लीटर का फ्लश टैंक है, ये कैसे का मोड जोड़ा गया है। यहाँ एक हैंडल भी लगाया है ताकि काफ़ी लोगों को जैसे कमर पे बैठने के बाद भी उठने में तकलीफ होती है तो वो हैंडल को हैंडल का सहारा लेके उठ सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। ये देखिए भी कमोड लगा के तैयार हो गया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो शेयर कीजिए। ये पूरा होने के बाद में कैसा वॉक थ्रू दिख रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ कमोड होने की वजह से डबल डोर लगाए गए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये बाथरूम देख सकते हैं, इसमें पूरा पेंटिंग किया है ऊपर साइड में, जहाँ टाइल्स नहीं है वहाँ पूरा ऑयल पेंट किया गया है। तरह स्टोन्स के रैक्स जैसा लगाया गया है मटेरियल सामान रखने के लिए। और दोनों जगह पीवीसी डोर्स लगाए गए हैं, टॉयलेट में डबल डोर और बाथरूम में सिंगल डोर। धन्यवाद।